गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल, मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है और एक कोई बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि हमने अभी तक नहीं देखी लेकिन टाइटल को देख कर लग रहा है। तो वीडियो का सीधा पहले मैं टाइटल आप लोगों को बताऊंगा, वो है एम का पर आई सबसे बड़ी खुशखबरी। एम का जो कि इंडिया अपने मतलब 5.5 जनरल स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम कर रहा है, जो मोस्टली हर किसी को पता होगा कि काम चल रहा है, तो उस पर कोई बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी आई है। अब ये कौन सी खुशखबरी है ये पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद सही से आइडिया होगा। तो देखते हैं भाई क्या मतलब अचीवमेंट कोई हासिल किया है, क्या हुआ सीन। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय एम का लड़ाकू विमान, हम सभी लोग जानते हैं कि जब ये बनकर तैयार होगा तो पूरे एशिया पर राज करेगा, क्योंकि आज की तारीख में और आने वाले 5 से 10 सालों तक भी एम का जैसा लड़ाकू विमान पूरे एशिया में नहीं होने वाला है। ऐसे में जैसे ये भारतीय वायुसेना में आएगा तो ये भारतीय वायुसेना को पूरे एशिया में नंबर वन बना देगा। और आज इसी एम का लड़ाकू विमान से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिससे सुनकर आप बेहद ज्यादा खुश होने जा रहे हैं। और ये खबर किसी न्यूज़पेपर या किसी सूत्रों से निकलकर नहीं सामने आई, खुद जो HAL के चेयरमैन हैं उन्होंने खबर रिवील करी है। चलिए जान लेते हैं खबर क्या है, लेकिन उससे पहले अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलते हैं डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित प्रतिदिन 3 वीडियो। सब्सक्राइब कीजिएगा, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, खबर HAL की तरफ से ये निकल कर सामने आई है कि जो एम का लड़ाकू विमान है उसका जो डिजाइन है वो ऑलरेडी फ्रीज किया जा चुका है, यानी कि फाइनलाइज हो चुका है। और अब HAL ने जो एम का निर्माण होगा उसका जो प्रोसेस है उसे भी फाइनलाइज कर लिया है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाऊं। देखिए, मैंने आपको एक महीना पहले एम का पर एक वीडियो बनाकर बताया था कि एम का के जो कुछ पार्ट्स हैं उनका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जा चुका है। अब होगा ये कि जब ये सारे पार्ट बनकर तैयार हो जाएंगे फिर इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा, इनकी असेंबली की जाएगी और फिर जुड़कर एक एम का लड़ाकू विमान तैयार होगा। अब HAL ने इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे प्रक्रिया को फाइनलाइज कर लिया है कि कौन सा पार्ट कहां पर किस समय जोड़ा जाएगा, ये पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन तैयार फुल सब कुछ हो गया। इतना ही नहीं, HAL ने कहा कि बहुत ही जल्द एम का लड़ाकू विमान के प्रोग्राम में बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं भारत की उन्हें भी जोड़ा जाएगा। क्यों? भारत चाहता है कि एम का जल्द से जल्द बनकर तैयार हो। ऐसे में जरूरत ये है कि जो भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें भी इसमें जोड़ा जाए, उनसे भी पार्ट बनवाए जाएं, ताकि जो सरकारी कंपनियां हैं उन पर बोझ कम पड़े और जो ये प्रोग्राम है ये स्मूथली आगे बढ़े और तेजी से बनकर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाए। देखिए, यही एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्यों? अब से 5 से 10 साल पहले आप जाएंगे तो पाएंगे कि जो भारत की डिफेंस कंपनियां हैं ना सरकारी, इनका जो एटीट्यूड था थोड़ा घमंडी वाला था। ये सोचती थी कि हम ही सब कुछ बनाएंगे, जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये बेकार हैं, अगर हम इनसे मदद लेंगे तो हमारी इमेज खराब होगी। और इसी चक्कर में आपने देखा होगा कि जो हमारा तेजस लड़ाकू विमान था उसे बनने में 35-40 साल लग गए। अगर वहां पर प्राइवेट कंपनियों की मदद ली जाती तो अब से 10-15 साल पहले बनकर तैयार हो गया होता तेजस। लेकिन इस बार सरकार और भारतीय वायुसेना बहुत मदद ले रही है, जिस वजह से भारतीय जो सरकारी डिफेंस कंपनियां हैं ये लाइन पर आ गई हैं। और इससे बहुत फर्क भी पड़ा है, आप ही देख लीजिए, पिछले 1-1.5 साल पहले जो एम का प्रोग्राम है लग रहा था कि 2030 के बाद ही तैयार होगा, लेकिन आज स्थिति ये है, ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 साल के अंदर एम का बनकर तैयार हो जाएगा और फिर इसकी 1-1.5 साल बाद टेस्टिंग कंप्लीट करके इसे भारतीय वायुसेना में 2024 के अंत तक शामिल कर लिया जाएगा। बहुत जल्दी आ रहा है, 2035-40 तक असंभव लग रहा था एम का भारतीय वायुसेना में आ जाए, लेकिन इस बार भारतीय सरकार और भारतीय वायुसेना बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर चल रही है एम का पर। वो चाहती है कि जल्द से जल्द ये बन जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसी चीज का फल है कि एम का इस समय गोली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो यार मुझे ये स्टेप सबसे ज्यादा अच्छा लगा है कि मतलब अभी ना
प्राइवेट कंपनीज को दिए जा रहे हैं, मतलब असल में उनको भी शामिल हर चीज में किया जा रहा है। जब इंडिया की अगर कोई सरकारी कंपनी जो जिस तरह मतलब हाल HAL जिस तरह बना रही है और ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, देखो एक कंपनी जब भी कोई चीज बनाती है पहले उस पर सोच विचार करके मतलब टाइम लेती है काफी ज्यादा। जब बनाने की बारी आती है लाजमी बात है इतने ज्यादातर वो मतलब वो चीजें जो उसके पार्ट्स होते हैं वो इतनी तेजी से नहीं बना सकती, जो तो उनके लिए उनको चाहिए होती है सरकारी जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी जरूरत पड़ती है लाजमी तौर पर। पहले जो है ये इसी वजह से तेजस भी लेट हुआ था, एक ही कंपनी लगी रहती एक ही कंपनी लगी रहती थी वो आहिस्ता 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 करके मतलब सालों लग जाते थे। तो इसी वजह से प्राइवेट कंपनी का फायदा क्या होगा, एक पार्ट एक कंपनी बना रही है, पार्ट दूसरी कंपनी बना रही है, तीसरी कंपनी बना रही है, तीसरा पार्ट तीसरी कंपनी बना रही है, तो इस तरह काम जो बन जाएगा वो तेजी और जिस तरह काम बंटेगा तो मैं कहता हूँ 15 सालों का काम 5 सालों में या 2 सालों में 3 सालों में भी हो सकता है, जिस तरह बताया 2024 तक बंद 2024 में कह रहे हैं कि फोर्स में शामिल हो सकता है, इन्होंने बोला डेढ़ साल में बन जाएगा, फिर आगे इसके टेस्ट होंगे, फिर इंडक्ट किया जाएगा। तो उस लिहाज से आप लोग खुद अंदाजा क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है इसका डिजाइन रेडी हो चुका है सारा कुछ, मतलब जिस तरह का मतलब जिस जो डिजाइन इसका जो शेप इसको लुक देने की वो उनकी वो फाइनलाइज्ड हो चुकी है, वो किस तरह प्रोसेस होगा वो भी फाइनलाइज्ड हो गया, मतलब मेन चीज ये होती है डिजाइन और फाइनलाइज किस तरह करना, मतलब प्रोसेस उसका बिल्कुल वो सब कुछ फाइनलाइज हो गया, तो मतलब आगे बस बनाना है तो आगे उस तरह के पार्ट्स देने हैं जिस तरीके से भी मतलब जो उनके नजर में बेस्ट प्राइवेट कंपनी हुई ज्यादातर तो लाजमी बात है। और HAL खुद और गाइस आप लोगों को भी आइडिया क्योंकि इंडिया में हर चीज में कॉम्पिटिशन होता है, आप देखें आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेना है तो वहां पर आप लोगों को नॉर्मल स्टूडेंट को कितना कंपटीशन मिलेगा, और कह रहे हैं वहां पर फुल मतलब 95% 96% 97% इधर के भी स्टूडेंट जो मतलब इतने मार्क्स लेकर जाते हैं वो भी मतलब पीछे रह जाते हैं। असल तो सोचें जब इतनी कंपटीशन इन कंपनीज में लगाया जाएगा तो हर कंपनी एक बहुत ही अव्वल दर्जे का काम करेगी। और लाजमी बात है मुबशर देखो जो भी कंपनी ये चूज करेंगे ठीक है प्राइवेट कंपनी जो भी वो उनको देखकर परखकर सब कुछ लाजमी बात है, मतलब इतना बड़ा जहाज बन रहा है इतना बड़ा एयरक्राफ्ट बन रहा है तो इसकी लाजमी बात है कि वो अपने से सब चीज उनकी नजर में जो बेस्ट कंपनी होगी वही चूज करेंगे। भाई दूसरी बात कंपनीज भी अच्छा वर्क करेंगी, एक कंपनी कभी भी व्यवस्था वर्क नहीं करती जो ज्यादा कंपनी, और यार क्योंकि आगे भी उन्हें और जब यार देश की अपनी बात आ जाए तो कौन सी कंपनी गलत चीज बनाएगी, ये चीज ये भी बात है। और दूसरी बात ये कि भाई मतलब ये एशिया का सबसे पावरफुल मतलब फाइटर जेट हो जाएगा, और अगर इसका तो आप खुद अंदाजा लगाओ इंडियन एयरफोर्स कितनी पावरफुल हो जाएगी एशिया का। मैं कहता हूँ काफी सारे ऐसे देश हैं जिनको ये टक्कर देगा यार उनके जो जहाज अमेरिका के जो हो गए मतलब उसी के पास है अमेरिका के पास बेस्ट किस्म के, और तो किसी के पास नहीं है। तो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें, इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।